ओके गाइस, ये है अपनी हीरो की नई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जैसे कि नया मॉडल है, 2022 का गाड़ी है, एकदम बढ़िया गाड़ी है, जैसे कि बोलते हैं जिसको एवरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई ये गाड़ी ले लो, टंकी फुल करो, महीना भर तक भूल जाओ। ये गाड़ी में ऐसा बहुत बढ़िया फीचर है यार। अब इसकी जो मीटर देखने जाएंगे ना, पहले तो मुझे यार मीटर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट आया गाड़ी के। जैसे कि अभी एक नॉर्मली, जैसे कि मैं आपको चालू करके दिखाऊं, इसके ऊपर आपको फ़ोन पता चल जाएगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपका SMS, इसमें सारे इसमें डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि ये बोलता है हेलो हीरो, ये इन बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव आपको मीटर इसमें दिखे, जैसे कि इंजन का इसमें लाइट दिख जाएगा, आपको फ्यूल इंडिकेशन दिख जाएगा, इसमें i3S का टेक्नोलॉजी दिया, जैसे कि बैट क्लच पकड़ेगा तो बंद हो जाता है ऐसे गाड़ी, हाँ तो ट्रैफिक में हमारा गाड़ी बंद हो जाएगा और ये जैसे क्लच पकड़े चालू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये गाड़ी है हमारे भैया जी, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम भाई। गाड़ी कैसा लग रहा लेके? मस्ते भाई, मस्ते गाड़ी। बढ़िया बढ़िया। आओ यार गाड़ी के बारे में कुछ बताओ कुछ तो भी यार। गाड़ी का ऑलमोस्ट 98cc की गाड़ी है, जैसे कि इसमें आपको आपको ड्रम मिल जाता है पीछे की तरफ, आगे भी तरफ ड्रम मिल जाता है, बट इसके सीसी के हिसाब से, गाड़ी के वेट के हिसाब से ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल रहता है। जैसे कि अभी पहले के इसमें स्प्लेंडर में तो आता था कि आपको सिंगल आता था ब्रेकिंग, ये ड्रम में भी डबल ब्रेकिंग है, जैसे कि आगे लगाओगे तो पीछे का भी ब्रेक थोड़ा थोड़ा लग जाएगा। इसका टायर का आपको साइज़ बताऊँ तो मैं इसका टायर का साइज़ और मैं दिख तो नहीं रहा है, हाँ आया यहाँ पे 1800R18 का इसका टायर है। जैसे कि उसमें तो हमारा पहले वाले में छोटे टायर आते थे, इसमें थोड़े ब्रॉड मिल जाते हैं हमको। पीछे भी इसका सेम टायर का मेरे ख्याल से साइज़ है, एवरेज के लिए होता है ये सब और कुछ नहीं है। इसके अगर टायर की साइज़ देखो तो 80-118 ऑलमोस्ट आगे और पीछे का दोनों का टायर का सेम साइज है। और इसके अंदर i3 टेक्नोलॉजी आती है। इसके अंदर स्प्लेंडर प्लस की बात करने जाए तो हम लोग को मिलता है इसमें Xtec का, जो एक नया हीरो क्लेम करता है, इसके अंदर इनको नया फंक्शन या तो कुछ परफॉर्मेंस के लिए इन लोगों ने दिया है। इसमें आपको पावर स्टार्ट मिल जाएगा, इसमें आपको दिया है प्रोग्राम्ड FI, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का इसमें दिया गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि फ्यूल इंजेक्शन का इसमें कुछ फंक्शनैलिटी दिया गया है। यहाँ पे पीछे की देखें तो टेल लाइट, इसमें आपको बल्ब मिल जाएगा दो सिग्नल इंडिकेटर्स के। यहाँ पे आपको चेन के ऊपर देखने जाए तो चेन के ऊपर आपको देखने जाए तो बहुत आजकल की गाड़ियों में चेन के लिए कवर मिलता नहीं है, जैसे कि उसके ऊपर लूब लगाओ, हाई सीसी गाड़ी के ऊपर मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर एक ऐसी गाड़ी जो आपको चेन कवर भी देता है भाई, ज़्यादा खर्चे वाली गाड़ी नहीं है बेसिकली है। इसका इंजन देखने तो कितना ब्यूटीफुली छोटा सा नन्ना मुन्ना इंजन है इसका, लेकिन यार बहुत काम का इंजन है। फिर और इसमें तो अभी फ्यूल इंजेक्शन वाला भी दे दिया गया है, 4 स्पीड का इसमें आपको इंजन मिलेगा। लीटर की क्या, अगर टैंक की बात करने जाए तो लीटर कैपेसिटी कितना है भाई इसको? 10 लीटर का इसमें कैपेसिटी मिलता है आपको। और अब इसने ना एक तो हद कर दिया है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए भी सॉकेट मिल जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चार्जिंग के लिए अंदर आपको सॉकेट मिल जाता है कि भाई कुछ भी चार्ज वर्ज करना है तो कर लो भाई, स्प्लेंडर पीछे नहीं है। यहाँ पे ओडो के अंदर आपको एक बटन दिया गया जिसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये पूरा आपको मेन ओडोमीटर बताएगा। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार, ये टैंक इसने भाई ने फुल किया था ऑलमोस्ट का इंजन, अभी तो इसका मीटर बंद है फिलहाल। ऑलमोस्ट कितना चला रहेगा भाई गाड़ी को? भाई ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हो गई, लेकिन भाई अगर मैं आपको टैंक की ये दिखाऊं तो भाई अभी भी पेट्रोल झलकेगा। 80 किलोमीटर में भी गाड़ी आपका टैंक झलका रहा है। तो थोड़ा भाई आपसे प्राइसिंग की बात पूछ ले, कितने में पड़ी आपको गाड़ी, क्या है पड़ी मुझे? 87,000 ऑन रोड। 87 ऑलमोस्ट 80,000 के ऊपर। 80,000 में घर जाएंगे क्या? बोले पूरा जा तेरा घर जाएंगे पूरा घर चले जाएंगे बोले, लेकिन एवरेज के साथ घर वापस भी आएंगे तुम्हारा। सब बढ़िया 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 है कि नहीं भाई लोग? 80,000 में तुम्हारा गया घर गया, तुम्हारे GT में कितना गया भाई? GT में तो 4 घर जाएंगे लगता है, 4 घर जाएंगे, GT में वापस नहीं आएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया यार है गाड़ी के बारे में देखने तो, गाड़ी तो ऑलमोस्ट सबको नोन ही है, बस एक नया मॉडल आया, जैसे कि एक और एक चीज़ में मुझे अच्छी लगी थी अगर आपको मैं बताने जाऊँ तो। अगर आपका इंडिकेशन चालू करेंगे तो यार इसने यहाँ पे भी आपकी एक हद पूरी कर दी है, जो मिलती है आपको एक LED से, दिख रहा है ये LED, जैसे कि अभी सब गाड़ियों में LED आ रहा है। तो भाई स्प्लेंडर भी पीछे नहीं है, स्प्लेंडर ने भी बोला है भाई मैं भी LED दूंगा, डजेंट मैटर कैसी है क्या है, मैंने भी देना है LED। यहाँ पे इन्होंने दे दिया एक LED का एक स्ट्रिप, नीचे आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, बाकी सारे सिग्नल में आपको हेलोजन बल्ब है। गाड़ी बहुत ही लाइट वेट है, सीटिंग अरेंजमेंट एज यूजुअल बहुत ही अच्छा है, एकदम बढ़िया गाड़ी है। गाड़ी की थोड़ी फायरिंग आप सुन लो, ठीक है, एक्सेप्टेबल है भाई, स्प्लेंडर वेट देन।
भाई ने अच्छा ग्रिप लगाया यार, ये बहुत बढ़िया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, पीस आउट।